वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं ओपोजिशन को स्टेज पर देखकर बनारसी ठगों की याद ताज़ा हो जाती है। 40 साल से बनारसी ठगों की हुकूमतें थी, लैंड क्रूजर में बैठकर गरीब की बात करते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम महंगाई के हवाले से मुतमइन नहीं, अपोजिशन शर और वजीर आजम खैर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को पर्ची पर पार्टी की सरबराही मिली, उन्होंने सिंध के अवाम का बुरा हाल कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पुलिस समेत हर इदारे को इस्तेमाल किया। लोग होते थे जो बड़े लिबास विबास बड़ा ठीक ठाक नजर आते थे और आते थे लोगों को चकमा देकर फरार हो जाते थे। ये वो लोग हैं जो कि आज जमा हुए हुए हैं और अवाम को वो उनकी जिंदगियों को बेहतर करेंगे। क्या अवाम को मालूम नहीं कि पिछले 40 साल से इन्हीं की हुकूमतें थी? मोटरसाइकिल पे आने वाले आज लैंड क्रूजर्स में आते हैं और लैंड क्रूजर्स में आके जलसों से उतरते हैं और बात गरीबों की करते हैं, भाषण देते हैं कि उनको अवाम का बड़ा दुख दर्द है। कराची का जो वाकया हुआ बहुत दुख की बात है कि ऑपोजिशन ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी, जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, बेयकीनी बदमनी फैलाना चाह रहे हैं। इनसे इनका हिसाब लिया जाएगा, कौम इनसे इसका हिसाब लेगी। और खास तौर पर वो बयानिया जो कि हमारे दुश्मनों को खुश करता हो, जिसके लिए पूरी कोशिशें की गई हों, बयानिए को तकवीयत कौन दे रहा है? हमारी ऑपोजिशन दे रही है। आज बिलावल भुट्टो तकरीरें कर रहे हैं कि अवाम उनका साथ दें। अवाम ने आपके वाले साहब का भी आपके बड़ा साथ दिया, आपके बड़ों का भी बहुत साथ दिया। यही वो लोग हैं जिन्होंने कि आपके बड़ों को बहुत बुरा भला कहा, आज ये कैसे इकट्ठे हो गए हैं? ये इकट्ठे इसलिए हुए हैं बिकॉज अभी इनके जो साबिक अफगान वजीर आजम गुलबदीन हिकमत चार कहते हैं कि